आज हम लोग मौजूद हैं नगर पंचायत बबेरू में, जहां पर जल निकासी को लेकर के शहरी और ग्रामीण दोनों जगह की जो है बैठक की गई। और बैठक में बबेरू तहसील के अधिकारी एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी और चेयरमैन विजय पाल सिंह मौजूद रहे। और यहाँ की समन्वय बैठक की गई, जिसमें से सब लोगों ने विचार विमर्श जो है जल निकासी के लिए जो है एक प्रस्ताव में जो है समन्वय बैठक के अनुसार यहाँ पर जल निकासी को लेकर बैठक की गई थी। तो क्या क्या बिंदुओं में रणनीति बनाई गई है, क्या है? बबेरू ग्रामीण और बबेरू नगर पंचायत पिछले 5 सालों के पूर्व भी जल निकासी के गंभीर मुद्दा था बबेरू का, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, अनसिस्टमैटिक तरीके से लोग अपना निर्माण करते चले जा रहे हैं और यह दिन प्रतिदिन एक गंभीर विषय बना हुआ है। आगामी आने वाली बरसात में यह गंभीर विषय न बने, लोगों को इस समस्या से निजात कैसे मिले, इसके लिए हमारा ये प्रयास हुआ कि हमने तीनों जनप्रतिनिधि अपने नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष तीनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आज एसडीएम बबेरू, एसडीएम बीडीओ बबेरू और डीओ नगर पंचायत के साथ और सारे जनप्रतिनिधि हमारे बैठ करके एक समन्वित रूपरेखा तैयार की गई, जिससे बबेरू की जल निकासी का समाधान संभव हो सके। जो विषय ग्राम पंचायत के स्तर से निस्तारित किए जाने थे उनको ग्राम पंचायत के द्वारा, जो नगर पंचायत के स्तर से निस्तारित किए जाने चाहिए वो नगर पंचायत को, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, जितनी स्वीकृतियाँ हों चाहे अन्य कोई अवरोध हो, इस जल निकासी में वह सारे अवरोध को समाप्त करते हुए बबेरू को इस आने वाली बरसात में पानी की जल भराव की समस्या से छुटकारा मिले, इसके लिए हम सारे लोग और पूरा प्रयासरत हैं। इसमें हमारे सभी नगरवासी भी और हमारे सम्मानित मीडिया के बंड भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। समस्या का समाधान 100% तो नहीं, लेकिन 80% 70% होने की संभावना आज की बैठक के बाद दिखाई दी। प्रयास रहेगा कि 100% की समस्या का समाधान भविष्य में हो जाए। आज यहाँ पर किस प्रकार की जल निकासी को लेकर बैठक की, क्या क्या रणनीति बनाई गई, क्या है? देखिए, बबेरू नगर और ग्रामीण में जल भराव की समस्या एक प्रमुख बिंदु है, जिसके निदान के लिए समय समय पर आवाजें उठाई गई हैं, लेकिन उस पर हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं है। इसी बिंदु को लेकर के माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से हम लोगों की चर्चा हुई और ये तय हुआ कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी अवगत कराते हुए इस समस्या के निदान में हम कहाँ प्रभावी कदम उठा सकते हैं, इस पर बिंदुवार चर्चा आज हुई है और ये तय हुआ है कि जो कार्य नगर पंचायत के माध्यम से संभव है वो नगर पंचायत और जो कार्य ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के माध्यम से है वो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के माध्यम से भी सहयोग लेते हुए और अन्य विभाग जैसे लघु सिंचाई विभाग है, जहाँ PWD का काम है, तो ऐसे सारे विभागों को अवगत कराते हुए प्रभावी कदम उठाने की बात तय हुई है और इस पर कार्य आज से ही प्रारंभ करने की ये हम लोगों ने चर्चा की गई थी। तो क्या है मामला, कहाँ कहाँ का वो रणनीति बनाई गई बैठक में? बबेरू नगर और ग्रामीण में कई वर्षों से जल निकासी संबंध की भीषण समस्या रहती है। इस विषय पर अभी परसों ही अपने ग्राम प्रधान, अपने चेयरमैन साहब विवेकानंद जी भाई साहब, श्री रामनरेश मिश्र बात हम जी सब लोग थे, तो उस दिन बैठकर विस्तृत चर्चा हुई नगर और ग्रामीण, क्योंकि समस्या आती फिर नगर की और ग्रामीण, तो इस संबंध पर दोनों अपना प्रधान जी को भी बुलाया गया और चेयरमैन साहब को बुलाकर दोनों नगर ग्रामीण पर मौके पर जाकर गोपनीय ढंग से उस दिन बाइक के माध्यम से मौके पर जाकर बबेरू के अंबेडकर नगर, इधर मरका तिराहा और अवगासी रोड सभी जगह का व्यक्तिगत जाकर अवलोकन किया गया। वहाँ की स्थिति को देखा गया कि यहाँ वास्तविक रूप से समस्या क्या है, क्योंकि नगर की सफाई करके हमारा आगे पानी निकालने का रास्ता कहाँ है। इस संबंध में हम लोगों ने उस दिन लगभग 5 घंटे दोपहर में घूमते रहे चारों तरफ। घूमने के पश्चात निर्णय निकला कि आज हम जब स्वयं भौतिक रूप से हम स्वयं सत्यापन करेंगे,
फिर इसके बाद उन विषयों को सभी जो अपने SDM साहब हैं, BDO साहब हैं और EO साहब सभी के साथ बैठकर आज इस विषय पर जल निकासी पर बिंदुवत चर्चा हुई और जल्द से जल्द इस समस्या के निदान करने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत और संबंधित विभागीय ताकि जल्द से बरसात के पहले इस समस्या को हमेशा के लिए निजात पाया जा सके, इस संबंध पर आज विस्तृत चर्चा हुई। बस इसी विषय पर आगे जो भी चर्चा है निश्चित ही आप सबके बीच में समय समय पर आती रहे। नगर पंचायत बबेरू में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में चेयरमैन साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, ग्रामीण और नगर के वहाँ पर एक चर्चा हुई और इनके प्रयास से हम लोगों के संयुक्त बैठक जल निकासी के महत्वपूर्ण विषय पर हुई जिसमें लगभग 13-14 बिंदुओं पर चर्चा हुई और उसके निस्तारण विभाग से ही सक्षम अधिकारियों तक बात पहुंचाती हुई अपने अपने विभागीय स्तर पर जितना भी प्रयास संभव हो सकता है उसमें करने के लिए एक वार्ता हुई। आप सभी लोग हमारे ग्रामवासी भी, हमारे किसान बंधु, मीडिया के हमारे नन्ना नंदू, जीतू भाई, रंजू भाई, रामू जी, सूर्यदास जी तथा हमारे सभा सदगण, हमारे पार्टी के महामंत्री, मंडल अध्यक्ष वातम जी, शेखपाल साहब, प्रधान जी, राम नरेश जी, तहसीलदार साहब, सारे लोगों ने अपना पूरा अमूल्य समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण जनहित की समस्या पर विचार किया। इसके लिए मैं उपस्थित सभी व्यक्तियों का नगर